नमस्कार सभी को, गुड मॉर्निंग। मैं शुभकर्ण, सहायक आचार्य EFM। आज हम चर्चा करेंगे BCom पार्ट प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए, जिसमें हम पढ़ेंगे यूनिट संख्या 4 में EFM पेपर 2 के अंतर्गत इंडियन बैंकिंग फाइनेंशियल सिस्टम के अंतर्गत मर्चेंट बैंकिंग। मर्चेंट बैंकिंग से संबंधित जो वीडियो है, पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी कि मर्चेंट बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने वाली संस्थाएं कौन सी हैं या मर्चेंट बैंकिंग किसे कहते हैं। दूसरा, हमने लेक्चर मर्चेंट बैंकिंग से संबंधित डिलीवर किया था कि मर्चेंट बैंकिंग के कार्य कौन कौन से हैं। तीसरे वीडियो में हमने चर्चा की थी कि मर्चेंट बैंकिंग की हमें क्यों आवश्यकता पड़ी और उसकी क्या इम्पोर्टेंस है। इसी क्रम में आज हम चर्चा करेंगे 4th टॉपिक, मर्चेंट बैंकरों की भूमिका। रोल ऑफ मर्चेंट बैंक। इस वीडियो को या इस टॉपिक को अध्ययन करने से पहले मर्चेंट बैंक की भूमिका के बारे में हम चर्चा करें। आप मर्चेंट बैंक के बारे में भी ये जान चुके हैं कि मर्चेंट बैंकिंग क्या है और मर्चेंट बैंकिंग से ग्राहक को या व्यक्ति को क्या बेनिफिट्स हैं। तो इसी क्रम में इसकी भूमिका के बारे में हम चर्चा करें कि इसकी क्या रोल है, क्या इम्पोर्टेंस है, क्या इसकी भूमिका रही है। तो मर्चेंट बैंक के अंतर्गत प्रथम भूमिका की हम बात करें तो विभिन्न पक्षकारों के लिए मर्चेंट बैंकरों की एक अहम भूमिका है। जिसमें प्रथम है एकल खिड़की सेवा। एकल खिड़की सेवा को हम सिंगल विंडो सर्विस भी कहते हैं। एकल खिड़की सेवा के अंतर्गत हम बात करें कि मर्चेंट बैंकिंग या मर्चेंट बैंक अपनी सेवाएं एकमुश्त प्रदान करते हैं। किस प्रकार से? जिसमें सभी प्रकार के कार्यों के लिए एक अलग अलग स्टाफ की आवश्यकता होती है। मर्चेंट बैंक के स्टाफ को या स्टाफ का प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने क्षेत्र में विशेषज्ञ होता है। मर्चेंट बैंकर इन विशेषज्ञों की सेवाएं स्वतंत्रता पूर्व लेता है। किसी कंपनी के पहले निर्गमन निकालने की कार्रवाई के दौरान कंपनी के इतिहास, उसके प्लांट और मशीनरी की क्षमता, संपत्तियाँ, उत्पादन प्रक्रिया, गोदाम, तैयार माल, विपणन, तकनीक लेखा आदि की जानकारी विस्तृत छानबीन के आधार पर प्राप्त की जाती है। मर्चेंट बैंकर अपने स्टाफ की तकनीकी विशेषज्ञ, औद्योगिक सलाहकार, चार्टर्ड अकाउंटेंट से रिपोर्ट प्राप्त करना, मर्चेंट बैंकिंग की एक रिपोर्ट तैयार कराने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कंपनी को अपने व्यापार प्रबंधकगण, प्रतियोगी बाजार की स्थिति, कच्चे माल की स्थिति, कारखाने, बैलेंस शीट, लाभ सीमा, कराधान, श्रमिकों की स्थिति और कच्चे माल, उत्पादन, विपणन, विज्ञापन आदि की जानकारी रखनी होती है। मर्चेंट बैंकर ऐसी सभी सूचनाएं एकत्रित करवाने के आधार पर एक रिपोर्ट तैयार करके या रिपोर्ट तैयार करवाने में सहायता प्रदान करते हैं, जिसमें ये जानकारी वित्त प्रदान करने वाली संस्थाएं, बैंकों, सरकार, जनता के लिए उपयोगी हो सकती हैं।
कंपनी अपने तैयार माल पर कच्चे माल की जमानत पर ऋण प्राप्त करना चाहती है। जब तक मर्चेंट बैंकर अपनी कंपनी गोदाम, प्लांट, मशीनरी व अन्य संपत्तियों के भौतिक सत्यापन पर रिपोर्ट तैयार करता है, मर्चेंट बैंकर स्वयं स्थल पर जाकर रिपोर्ट तैयार करवाते हैं और उसकी विश्वसनीयता बनी रहती है। तो इस प्रकार से एकल खिड़की सेवा में विभिन्न प्रकार के कार्य, मैंने जैसे आपको बताया विभिन्न प्रकार के जो एक्टिविटीज़ हैं उनको संपादित करने होते हैं। दूसरा पॉइंट है नए निर्गमन के लिए फॉर न्यू इश्यू। नए निर्गमन के लिए मर्चेंट बैंकर, नए निर्गमन की हम बात करें तो मर्चेंट बैंकर की भूमिका नए निर्गमन के लिए एक महत्वपूर्ण होती है। जब एक कंपनी अपना निर्गमन लाना चाहती है तो निर्गमन के समय यह तय करना बड़ा कठिन है कि मर्चेंट बैंकर अपनी विशेषताओं से सही समय का सुझाव देता है और मर्चेंट बैंकर नए निर्गमन के समस्त कानूनी प्रावधानों के लिए कानूनी सलाहकार एवं वकील की सहायता भी लेता है। साथ ही लेखापाल, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सचिव, MRTP दी मोनोपोली रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट के तहत भी विशेषज्ञों की सलाह भी लेता है। मर्चेंट बैंकर इन विशेषज्ञों की सलाह से स्कंद विनिमय केंद्र को भेजे जाने वाले आवेदन पत्र, प्रविवरण, अंश प्रमाण पत्र, अन्य दस्तावेज आदि तैयार करवाता है और उन्हें भिजवाने की तैयारी भी करवाता है। तो इस प्रकार से मर्चेंट बैंकिंग की नए निर्गमन से संबंधित ये कार्य संपादित हैं। अगला है प्रक्रिया की पालना। प्रक्रिया की पालनों में फॉलो ऑफ प्रोसीजर, प्रक्रिया की पालना में हम बात करें तो प्रक्रिया की पालना में मर्चेंट बैंकर नए निर्गमन से जो भी क्रियाएं हैं, प्रक्रियाएं जुड़े रहते हैं नए निर्गमन के प्रारंभ से लेकर अंत तक समस्त कार्यवाही मर्चेंट बैंकर की भूमिका महत्वपूर्ण रही है, क्योंकि मर्चेंट बैंकर नए निर्गमन की प्रक्रिया के अंतर्गत परिवर्तन की शर्तों के साथ आवेदन पत्र स्कंद विनिमय केंद्र के अधिकारियों के पास भेजते हैं। नए निर्गमनों की प्रतिभूतियों के स्कंद विनिमय केंद्र सूचियन करना उनका अनिवार्य है, क्योंकि मर्चेंट बैंकर सूचियन संबंधित कार्यवाही में भी हिस्सा लेते हैं और मर्चेंट बैंकर परिविवरण मसौदे तैयार करना, उसे दर्शाए जाने वाली विशेष सामग्री की सुझाव देना एवं सभी प्रकार के अग्रणीय समाचार पत्रों में छपाई कार्यवाही भी करते हैं। तो परिवर्तन संस्था के नाम का पता, प्रतिभूतियों के प्रकार, निर्गमन प्रारंभ होने, बंद होने की तारीख या निर्गमन का मूल्य, निवेशक की जानकारी, निवेश विवरण, संग्रह केंद्र के नाम, पते, प्रतिभूति उपकरण का विवरण, निर्गमन से संबंधित निर्देश भी दिया जाता है। इसके साथ क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, मर्चेंट बैंकर के नाम पते भी दिए जाते हैं। मर्चेंट बैंकर निर्गमन प्रक्रिया समाप्त होने के बाद में प्रतिभूतियों के आवंटन की व्यवस्था करते हैं। कंपनी अधिकार निर्गमन या बोनस अंशों के निर्गमन से संबंधित भी कार्य करते हैं। मर्चेंट बैंकर इस प्रकार की सलाह देते हैं कि मर्चेंट बैंकर निवेशकों के हितों के अनुरूप प्रतिभूतियां और मूल्य व शर्त निर्धारित करने की भी परामर्श देते हैं। इस तरह मर्चेंट बैंकर निर्गमन से संबंधित सभी कार्यों को अपना दायित्व निभाते हैं। कंपनी संबंधी मामले, कंपनीज मैटर्स। कंपनी संबंधी मामले भी संपादित करने होते हैं। किस प्रकार से कंपनी संबंधी मामलों में मर्चेंट बैंकर अपने संबंधित मामलों की एक महत्वपूर्ण भूमिका का अदा करते हैं। कंपनियों के पुनर्गठन करना, उसका एकीकरण करना, उसको मर्ज करना, क्रय करना,
चार्टर्ड अकाउंटेंट संबंधी कार्य आदि करने होते हैं। अगला है, विभिन्न एजेंसियों के लिए डिफरेंस एजेंसियों का भी सहारा इसमें लिया जाता है, क्योंकि मर्चेंट बैंकर कंपनियों व अंशधारियों के लिए के बीच में एजेंसी संपर्क होते हैं, तो विभिन्न प्रकार की एजेंसियों के बीच में भी संबंध रहते हैं, विभिन्न प्रकार के एजेंसी संबंधी कार्य, विभिन्न प्रकार के एजेंसी संबंधित कार्यों को भी क्रियान्वित करना होता है, जिसमें मुख्यतया कंपनी वंशधारियों के बीच में सभी एजेंसी के साथ संपर्क बनाए रखना, प्रतिभूतियों के निर्गमन के साथ प्रबंधक, निर्गमन रजिस्ट्रार, अभिगोपन, विज्ञापन एजेंसी, सरकारी एजेंसीज और स्कंद विनिमय केंद्र अधिकारी, वकील, स्टाफ, दलाल, उपदलाल आदि इसमें जुड़े हुए होते हैं। अगला, प्रशासनिक कार्यों के लिए, प्रशासनिक कार्यों में भी इसकी अहम भूमिका होती है। छठी भूमिका की हम बात करें प्रशासनिक कार्यों की, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स भी कार्य संपादित होते हैं। फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन में मर्चेंट बैंकर सभी प्रकार के प्रशासनिक कार्य करने में निपुण होते हैं। ये आयात निर्यात लाइसेंस और औद्योगिक लाइसेंस से संबंधित नियम और शर्तें की जानकारी कंपनी देते हैं, क्योंकि मर्चेंट बैंकर को रिजर्व बैंक, सेबी या वित्त मंत्रालय या कंपनी मामलों के विभाग के साथ अधिक संपर्क रखना पड़ता है। इन विभागों से संबंधित नियम, अधिनियम, उपनियम आदि की जानकारी कंपनी को देते हैं। विदेशी विनिमय एक्ट 1973 फेरा के अंतर्गत होने वाली विदेशी व सहायक कंपनी ऐसी कंपनियों की विदेशी संयुक्त स्कंद के अंतर्गत कार्य संपादित होते हैं। तो इस प्रकार विदेशी कंपनी भी भारत में रजिस्टर्ड है, भारत में अपना व्यवसाय कर रही हैं और रिजर्व बैंक और वित्त मंत्रालय के संबंधित सभी प्रकार के मामलों विभाग से अनुमति प्रदान करनी चाहिए। मर्चेंट बैंकर विदेशी व्यापार संबंधित सभी निकायों की जानकारी अपने ग्राहक को देनी चाहिए, जिससे पूंजीगत माल व कच्चे माल के आयात संबंधी जानकारी उपलब्ध हो सके। अगला है, विकास और विस्तार के लिए भी इसकी भूमिका रहती है, फॉर डेवलपमेंट एंड एक्सपेंशंस, क्योंकि मर्चेंट बैंकिंग कंपनी के विस्तार और विकास के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान है। जब भी कंपनी के समक्ष नई शाखा यूनिट स्थापित करने की समस्या आती है, तो मर्चेंट बैंकर इसका समाधान करते हैं। यह लघु व मध्यम आकार वाली कंपनी विकास के लिए वित्त व्यवस्था का दायित्व उठाते हैं और उसे अपना नाम देकर ऋण प्रदान करने की छूट भी प्रदान करते हैं। अपने समतानुसार अभिगोपन के संबंधित इस तरह के मर्चेंट बैंकर की भूमिका कंपनी के लिए अधिक महत्वपूर्ण रहती है। अंतिम है, आर्थिक स्थिति का अध्ययन। आर्थिक स्थिति के अध्ययन में भी इसकी अहम भूमिका है। किस प्रकार से, स्टडी ऑफ इकोनॉमिक कंडीशन में, क्यों मर्चेंट बैंकर की भूमिका भी एक महत्वपूर्ण भूमिका हो गई है, क्योंकि मर्चेंट बैंकर कंपनी की आर्थिक स्थिति का अध्ययन करने के लिए कंपनी को सुझाव देते हैं, कंपनी के लाभ हानि खाते की स्थिति आदि का अध्ययन करने का निष्कर्ष निकालते हैं, कंपनी की व्यापार किस दशा की ओर जा रहा है या कंपनी के अंशों का मूल्यांकन करके अंशों के बाजार मूल्यों का भी सुझाव देते हैं, जिसमें कंपनी कोष प्रवाह विवरण और रोकड़ प्रवाह विवरण, आय उपार्जन क्षमता, लाभांश आदि से संबंधित अध्ययन करके सतर्क भी रहती है। तो इस प्रकार से हमने आज के इस वीडियो में चर्चा की कि मर्चेंट बैंकिंग के की क्या भूमिका है, और हमने मर्चेंट बैंक की आवश्यकता और महत्व के बारे में चर्चा की, और मर्चेंट बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने वाली संस्थाओं के बारे में। अगले वीडियो में हम नोटबंदी के बारे में पढ़ेंगे, विमुद्रीकरण, डेमोटलाइजेशन, कि नोटबंदी क्या है। अभी जो नोटबंदी 8 नवंबर 2016 को 8 बजे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की थी, तो 500 और 1000 के नोट को बंद किया। क्यों किया, क्यों किया, क्योंकि भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए, जिससे कालाबाजारी, काला धन को रोकने के लिए, तो उनसे संबंधित हम नोटबंदी से संबंधित हम पढ़ेंगे, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में इनसे संबंधित भी प्रश्न आ सकता है, क्योंकि नोटबंदी पर निबंध लिखिए या नोटबंदी क्या है, तो इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बहुत ही बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। आशा करते हैं ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही
इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये पर्सन आपके विश्वविद्यालयों में पूछा जाता है। तो इस प्रकार से हम यूनिट संख्या 4 का अध्ययन कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपसे जल्द ही मिलेंगे नोटबंदी से लेकर के, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।